मोगली। हाँ वो? ओह वो तो गांव वाले हैं, सारा दिन यूं ही गप्पे मारते हैं। चलो आओ हम खेलते हैं। और उस दिन के बाद जानवर जानने लग गए कि उनका मालिक कौन है, और तो और वे मुझे बलदेव कहने लगे, यानी जंगल का राजा। एक दिन पहले ही मैंने अपनी नई बंदूक से शिकार किया, उसके बाद मैं कुछ बंदरों से मिला। उनके सरदार ने मेरे सम्मान में शानदार खाने का आयोजन किया, देखने लायक समा था, यकीन करो। बंदरों ने तुम्हें क्या खिलाया होगा? केले ही खिलाए होंगे। नहीं, उन्होंने केले नहीं खिलाए। हाँ शायद एक दो खिलाए भी हों, लेकिन बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा कि बंदरों ने मेरी अच्छी खासी सेवा की थी। यहाँ तक के मेरे लिए नारियल की बनी मदिरा ले आए, खुद बनाते हैं, बड़ी स्वादिष्ट, मीठी और असरदार। मैंने बनाने का तरीका पूछा तो उनके सरदार ने कहा कि ये तो राज की बात है, लेकिन मेरी बंदूक से डर गया, फिर माफी मांगी, क्योंकि वो समझ गया कि वो जंगल के राजा से बात कर रहा है। उसने कहा, कृपया हमें अपने राज्य में शांति से रहने दीजिए, हम पर दया कीजिए, हम वादा करते हैं कि शिकार करने में हम आपकी मदद करेंगे। यही वजह है कि शिकार से मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटा। यकीन मानो मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। अच्छा जंगल के राजा हो तुम, बंदरों के साथ खाना खाया तुमने, फिर तो तुम जानवरों की भाषा भी जानते ही होगे। अगर तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो फिर तो तुम उस बच्चे को भी समझ सकते होगे जो संजय के परिवार में आया हुआ है। हाँ उसे समझना तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं ही समझ सकता हूँ। जानते हो मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ, वो बड़े काम आ सकता है। बम्बई शहर में एक सर्कस लगी है, वो हमेशा नए कलाकारों को ढूंढते रहते हैं, ये जंगली लड़का उनके बड़े काम आ सकता है, हमें अच्छी कीमत मिलेगी। ये तो है, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, पर बम्बई जाने का रास्ता कई महीनों से बंद है, मेरी मानो तो अभी चुप रहो। ओहो अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा दूध पीने का समय हो गया और मैं यहाँ बैठा गप्पे हाँक रहा हूँ। ये लो लो पियो। देखो मैंने कितना अच्छा हार बनाया। मैंने तुमसे भी अच्छा हार बनाया। गिरा दो इसको, मारो। अरे वो देखो वो मार रहा है। अरे इसको पकड़ो पकड़ो, इधर से खींचो उसको। अरे गिरा, वो देखो वो उसको मार रहा है मार रहा है। चिकी तुम दूर रहो, दखल मत दो। ऊपर वो क्या है? उसे पतंग कहते हैं मोगली। वो पतंग है? हाँ बहुत अच्छे। पतंग उड़ रही है? हाँ उड़ रही है। पतंग उड़ रही है, पतंग ऊंची हवा में उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। बहुत अच्छी पतंग, ऊंची उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, मजा आ गया। वाह मोगली। जोर से जोर से। हाँ उधर उधर पीछे से, पीछे से पकड़। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, गिरा दिया। अरे ये क्या कर रहा है? अरे जाओ अरे जाओ, जोर से जोर से शाबाश। अरे शाबाश गिरा दिया। हाँ जोर से अपने अपने चले। अरे राधा कैसा है तुम्हारा जंगली दोस्त, अभी तक उसने सिखा है कि नहीं पेड़ों पे कैसे झूलते हैं? सूरत तो देखो बिल्कुल बंदर जैसा। जंगली कहीं का। राधा बोलो क्या करें? कुछ नहीं मोगली, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन अरे ठहरो राधा, इतनी जल्दी क्या है? ये क्या मजाक है, शर्म नहीं आती? डर गई क्या? हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमारे साथ खेलने के बजाय तुम इस गंदे लड़के के साथ क्यों घूमती रहती हो? मालूम है मेरे दादाजी क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि सही मायने में लड़का नहीं, किसी भेड़िये ने गलती से जन्म दिया है इसे। बिल्कुल ठीक,
जिस दिन ये भेड़िया बिगड़ गया ना, तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा राधा। ये क्या बकवास है, तुम्हारे दादाजी को शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। सुनो लड़के, चुप रहो, राधा को पसंद नहीं। हाँ, अरे देखो कुछ सुना तुमने, जंगली लड़का बोलने लगा। ए जंगली, चिल्लाओ मत, हम जानते हैं तुम मनुष्य नहीं हो, हमसे बात मत करो, समझे? हाँ, तुम चांद की तरफ देख के चिल्लाओ जैसे अक्सर चिल्लाते हो। राधा, नदी पे चलते हैं, यहाँ बहुत शोर है, चलो। ए, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या करो, क्या करो, मुझे छोड़ो, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, धीरे धीरे पटको मत, अरे पटको मत, अरे धीरे मत मत पटको मत मुझे। माफ करना मोगली, मेरे कारण बिना वजह वो लड़के तुमसे लड़ पड़े। घबराओ नहीं, वो पागल हैं, वरना लड़ते नहीं। हुँ? क्या मतलब? इस गांव से तो जंगल अच्छा है। वो लड़के खेल रहे थे, बिना वजह आपस में लड़ने लगे। ना समझ है, लड़ना कोई अच्छी बात है? नहीं, लड़ाई बुरी होती है, तुमने ठीक ही किया मोगली, कम से कम अब वो तुम्हारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तुमसे नहीं जीत सकती। मोगली, सपना देख रहे हो? जब तुम सोए हुए थे तो देखो मैंने क्या बनाया। पहनो तो। देखिए, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, गौरैया फंस गया, गौरैया फंस गया, अरे कोई जाओ, रुको मोगली, शाबाश शाबाश, थोड़ा और कोशिश करो, ठीक है, शाबाश, और जोर से, हाँ हाँ, ऐसे और नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देखो देखो जरा, ऐसे कोशिश करो, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा 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 और आ, थोड़ा 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 आ, हाँ ऐसे शाबाश, थोड़ा और। अरे ये क्या हो रहा है बेवकूफ, मेरी सारी सब्जियां खराब कर डाली, क्या इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था? अब खड़े क्या हो, जल्दी निकालो इसे। जी हाँ, अभी निकाल देता हूँ। हाँ? अब देख तो रहे हो ना, पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे बर्बाद करने की। शाबाश, और जोर से, और बलदेव। चुप, बदमाश, मैं बताता हूँ तुम्हें इसे कैसे निकालना है। नहीं ठहरो, छोड़ो मुझे। अरे रोको इसे। नहीं नहीं जाने दो, ये मूर्ख है।
हाँ ठीक है। अरे 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 मोगली मैं भी आती हूँ। आओ आओ राम सुंदर राधा खींचो जोर लगाओ मोगली खींचो राम सुंदर खींचो इसमें कोई शक नहीं कि लड़का ताकतवर पर देखते हैं कितना खींच पाते चलो हिम्मत मत राधा खींचो राम सुंदर पूरी ताकत से खींचो अरे ये क्या कर रहे हो अरे नीचे उतारो मुझे पता चला गुड्डे कुसट को आओ राधा अब घर चले शुक्रिया प्यारे दोस्त फिर मोगली एक हाथ से गाड़ी को धक्का देकर किनारे तक ले आया फिर दूसरा हाथ लगाकर गाड़ी को दलदल से बाहर निकाल दिया लेकिन असली मजा तो तब आया जब मोगली ने बलदेव को ऊपर उठाकर गधे पर बिठा दिया और एक ऐसी लात मारी तो गधा बलदेव को लेकर पहाड़ की तरफ भाग गया बलदेव ऐसे हाथ पैर मारता रहा लेकिन करता क्या ठीक है मजाक बहुत हो चुका अब सो जाओ बेटी ये कहानी तुम तीन बार सुना चुकी हो तो क्या हुआ मुझे अभी नहीं सोना क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक कोई अच्छा गाना गाए नहीं राधा बहुत रात हो गई है तुम्हें आराम की जरूरत है जाओ अब सो जाओ मोगली तुम भी अरे मोगली क्या कर रहे हो तुम इस आईने के साथ कल खेल लेना अभी सोने का समय हो गया है चलो हाथ मुंह धो लो धोलू हाँ आज सुबह ही तो तालाब में नहाया था साफ तो हूँ शुभ रात्रि राधा कभी ऐसा दिन भी आएगा मोगली साबुन से नहाए और बिस्तर पे सोए मुझे नहीं लगता बेटी उसने अपनी सारी जिंदगी जंगल में ही गुजारी है वो सिर्फ जंगल के तौर तरीके ही जानता है तो मैं उसे बदल दूंगी मैंने फैसला किया है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी देखना एक दिन वो हमारे बेटे किष्णु जैसा बनेगा बेटी मैं जानता हूँ कि तुम मोगली से अपने बेटे किष्णु की तरह प्यार करने लग गई हो लेकिन उसका दबाव मत डालना नहीं तो भाग जाएगा क्यों संजय मुझे भी इसी बात का डर है पिताजी लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोगली यहीं रहे और उसे हम प्यार से कुछ सिखा सके देख जैसे तुम ठीक समझो कभी कभी सोचता हूँ मोगली किष्णु का ही दूसरा जन्म है उससे काफी मिलता जुलता है और मोगली वहीं से आया है जहाँ अपना किष्णु खो गया था मैं समझ रहा हूँ संजय तुम मोगली को अपने बेटे किष्णु की तरह ही पालोगे जैसे तुमने बताया कि मोगली की आंखें किष्णु से ज्यादा गहरी है
इसका मतलब है कि वो किष्णु तो हो नहीं सकता। नहीं, वो किष्णु नहीं हो सकता। हाँ, मोगली किष्णु की जगह आकर हमें खुशियाँ दे सकता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमारी कोई भी खुशियाँ हमें मोगली के रूप में वापस दे दी। ठीक कहती हो, होता वही है उषा जो किस्मत में लिखा होता है। हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बेटी दी है उसने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो अब सो जाए। अकड़ू, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आओ चलो, बघीरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बघीरा यहाँ? हाँ, यहीं बास के जंगल में, गांव के किनारे। जल्दी चलो। अच्छा, मुझसे आगे निकल गए। मोगली। हाँ, बघीरा। अरे 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 मोगली, छोड़ो छोड़ो। अरे अरे संभल कर मोगली, मैं तुम्हारी तरह बच्चा थोड़ी हूँ। अरे छोड़ो मोगली मुझे। अरे बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर, पर ये तो बताओ कि तुम गायब कहाँ हो जाते हो, क्या कर रहे हो आजकल? हाँ बोलो मोगली, माँ और सारा झूम तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। हमने सुना है तुम किसी लड़की से मिलते हो और इसीलिए गायब रहते हो, लेकिन तुम्हें जंगल से इतनी दूर इस गांव में रहने की क्या जरूरत थी मोगली? क्या तुम हमें छोड़कर आदमियों के साथ रहना चाहते हो? क्या हमसे दिल भर गया है? क्या जंगल के दोस्तों से तुम खुश नहीं हो मोगली? नहीं, ऐसी बात नहीं है अकड़ू। फिर बात क्या है? शेर खान मनुष्यों पर हमला करने लगा है और मेरे कारण उसने मेरी दोस्त राधा पर भी हमला किया। इसे तो मैं देखता हूँ हुजूर। सामने से हट जाओ दवा की। राधा इधर। आओ बच्चे। फिर राधा के दादाजी आगे बढ़े। ओहो, ये बेवकूफ पूरा शेर खान से लड़ना चाहता है। वैसे तो मेरे एक वक्त की खुराक नहीं, लेकिन मोगली को पाने के लिए इससे उलझना ही पड़ेगा। दादाजी। शेर खान, अब मेरी बारी। बहुत पछताओगे मोगली, शेर खान से दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। राधा के दादाजी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, इसीलिए उन्हें गांव ले जाना पड़ा और तब से मैं राधा के घर में रह रहा हूँ। अच्छा, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। इसीलिए शेर खान तुमसे बदला लेने के लिए घूम रहा है। कल वो तुम्हारे बारे में हर किसी से पूछ रहा था, याद है पकड़ू? हाँ, और हमने उसकी आँख पर घाव भी देखा है। लेकिन ये बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? कुछ पता नहीं, मुझे जंगल की बहुत याद आती है, लेकिन मैं मनुष्यों के तौर तरीके भी सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं, और तुम्हें जानना ही चाहिए। हम समझ सकते हैं मोगली, मैंने भालू से बात की थी। सच पूछो तो हम दोनों का यही विचार है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मनुष्यों के साथ रहना ही पसंद करोगे, लेकिन उस वक्त तुम्हें उनके तौर तरीके सीखने में बड़ी परेशानी होगी मोगली। अभी अच्छा मौका है सीखने का। हाँ बात तो ठीक है, पर हम अकेले रह जाएंगे मोगली। लेकिन तुम्हारे साथ माँ है, पकड़ू है, अरे पूरा का पूरा झुंड है तुम्हारे साथ। इसके अलावा
मैंने तो सुना है आजकल तुम उस दर्शी की बेटी के साथ भी घूमते फिरते हो। हाँ, तुम कैसे जानते हो बघीरा? मैं क्या, सारा जंगल जानता है। बड़ी खुशी की बात है। कैसी है वो? अच्छी है। और वो तुम्हारी दोस्त राधा, क्या वो भी बहुत अच्छी है मोगली? अभी छोटी है लेकिन है बहुत शरारती। अच्छा, तो भालू और मेरी बात सच निकली, अब तुम अच्छी तरह सीख सकते हो। लेकिन हम में से कोई हर रोज तुमसे मिलने आया करेगा, तुम्हारी खैरियत जानने के लिए। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हमें तुम्हारी याद तो बहुत आएगी मोगली। लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारा यही रहना ही ठीक है। हाँ मोगली, तुम चाहे जंगल में रहो या गांव में, हम तुम्हारे भाई हैं। हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अकड़ू, माँ को मेरा प्यार देना। सरपंच पकड़ू, लीला, भालू, का, पप्पू और जंगल के सभी दोस्तों को मेरा प्यार देना। खुश रहो मोगली।